ठीक है बच्चों, क्या सीखेंगे? ऐड। ऐड आपने पहले भी सीखा है, क्लास वन में भी ऐड सीखा है, क्लास टू में भी सीखा है, क्लास थ्री में भी सीखा है, लेकिन अब तक उनको जल्दी कैसे करें एडिशन को, अभी तक ये नहीं सीखा। कैसे सीखा है अब तक कि अगर सात में छह जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ते हो, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ऐसे जोड़ते हो ना, है ना। या कुछ बच्चे कैसे जोड़ेंगे, सात लाइन लिखेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, और साथ में कितना और जोड़ना है, छह, छह लाइन और खींचोगे, एक दो तीन चार पांच छह, और फिर इनको जो पढ़ेंगे, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ऐसे जोड़ते हो ना अब तक। तो अब तुम थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गए हो, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जोड़ना आ जाएगा। तेज कैसे जोड़ेंगे, फास्ट। तो जैसे हम आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं, है ना, खाना पीना दोस्तों क्या करते हैं, साथ में खाते हैं, तो ऐसे मैथ्स में भी क्या होता है, कुछ नंबर एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त होते हैं। तो जैसे मैंने कुछ दोस्तों को यहाँ लिखा, तो एक का दोस्त कौन, नौ, क्या बना रहा है, दस। तो जो आपस में मिलके दस बना रहे हैं, वो दोनों नंबर आपस में क्या है, पक्के दोस्त। तो एक और नौ, दस। दो और आठ, दस। तीन और सात, दस। चार और छह, पांच, पांच का भाई, ठीक है, दस। ऐसे इनको एक बार क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, नौ एक, आठ दो, सात तीन, छह चार, पांच पांच। तो एक बार आंख बंद करेंगे सब, और एक बार और रिपीट करेंगे मेरे साथ, ठीक है, जल्दी से बताना, आठ दो, सात तीन, छह चार, नौ एक, पांच पांच, तीन सात, ठीक। अच्छे से याद हो गए, पक्का, घर पे जाके तीन से चार बार और आंख बंद करके बोलना, बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। तो अब इनको यूज कैसे करेंगे, हमें ये सीखना है, दोस्त को दोस्त से मिलाना, बस ये ध्यान रखना है, दोस्त को दोस्त से मिलाना। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एट प्लस सिक्स, ठीक है। अब आठ का दोस्त कौन है, दो है, तो आठ तो हमारे पास यहाँ है, तो हमें दो को और लेके आना है। तो ये जो छह है बच्चों, इसको हम स्प्लिट करेंगे, किसमें, एक तो आठ का दोस्त आ जाएगा, दो, है ना। अब छह में से दो यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, चार। समझ आ रही है बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो भी इधर नंबर लिखा है उसको हम किसमें तोड़ेंगे, जो इधर वाला नंबर है उसके दोस्त में। अब देखो आठ और छह, आठ और छह, जैसे मैंने भी बताया, फिंगर पे काउंट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और जब हम स्प्लिट करेंगे इसको छह को, तो छह स्प्लिट हुआ दो और चार में, दो किसका दोस्त है, आठ का, आठ और दो दोनों मिलके क्या बनाता है, दस, और दस में चार जोड़ना बहुत इजी, दस और चार, क्या समझ में आया, यस सर, क्या समझ में आया, यस सर। और देखते हैं एग्जांपल, नौ प्लस सात, ठीक है, तो नौ का दोस्त कौन है, जल्दी बताओ, एक, तो सात को किसमें स्प्लिट करेंगे, एक और सात में से एक यहाँ गया, यहाँ कितना बचा, छह, तो बन गया दोस्त नौ का, तो नौ और एक दस, दस और छह, क्या समझ आ रहा है बच्चों, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। एनर्जी से बोलेंगे इस बार, सेवन प्लस एट, तो जल्दी से बताओ, एट को स्प्लिट करेंगे कितने में टूटेगा ये, एट सेवन का फ्रेंड थ्री, कितना बचा यहाँ, आठ में से तीन इधर आ गया ना, कितना बचा, फाइव, और सेवन और थ्री क्या बन गए, दोस्त बन गए, दोस्त बन के कितना बना दिया इन्होंने, दस, दस और पांच कितना हो गया, और देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और देखो अभी ये है सिक्स प्लस नाइन, ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, नौ को स्प्लिट करेंगे किसमें, छह है, छह का दोस्त कौन होता है, चार, और चार नौ में से चार यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, पांच, छह और चार मिलके क्या बना देंगे, दस, दस और पांच कितना हो जाएगा, पंद्रह, पंद्रह, क्या समझ में आ गया।